नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। टीवी जगत की जानी मानी अभिनेत्री दीपिका सिंह की मां को कोरोना हो गया है, लेकिन दिल्ली के अस्पतालों में बेड ना मिलने के कारण दीपिका सिंह लाचार दिखाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर दिल्ली सरकार और दिल्ली के सीएम केजरीवाल से मदद की गुहार लगाई है। दिया और बाती हम, कवच 2 जैसे धारावाहिकों की अभिनेत्री दीपिका सिंह बड़ी मुश्किलों से गुजर रही हैं। दीपिका की मां दिल्ली में हैं और वो कोरोना वायरस की चपेट में आ गई हैं, जबकि अभिनेत्री खुद मुंबई में फंसी हुई हैं और उन्हें अपनी मां की बहुत चिंता हो रही है। दीपिका ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो जारी करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से गुहार लगाई है। दीपिका सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। इसमें उन्होंने बताया कि उनकी मां का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, लेकिन अस्पताल के लोग उस रिपोर्ट की कॉपी नहीं उपलब्ध करा रहे हैं, केवल फोटो खींचने के लिए कह रहे हैं। ऐसे में बिना रिपोर्ट के वो अपनी मां को किसी अस्पताल में भर्ती नहीं करवा पा रही हैं। उनकी मां दिल्ली के पहाड़गंज क्षेत्र में आर्य नगर क्षेत्र में रहती हैं। उनका परिवार संयुक्त परिवार है, जिसमें करीब 45 लोग एक साथ रहते हैं। ऐसे में अगर एक शख्स कोरोना पॉजिटिव आता है तो दूसरे लोगों को भी कोरोना होने के आसार हैं। दीपिका सिंह ने आगे बताया कि मेरी दादी को भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है और पापा में लक्षण दिख रहे हैं। अगर जल्दी ही मेरी मां को किसी ठीक अस्पताल में नहीं भेजा जाता है तो खतरा बहुत ज्यादा बढ़ता दिख रहा है। मैं दिल्ली सरकार और केजरीवाल जी से मदद चाहती हूँ। मुंबई में फंसी हूँ और वहाँ मेरी माँ को इलाज के लिए किसी अस्पताल में भर्ती नहीं किया जा रहा। मेरी बहन वहाँ गई है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पा रही है। दीपिका के मुताबिक दिल्ली के कई अस्पतालों में बेड खाली नहीं है। इस समय उनकी माँ का घर पर ही उपचार किया जा रहा है। दीपिका ने अपने पति का फोन नंबर भी साझा किया है। उन्हें उम्मीद है कि कोई संबंधित व्यक्ति इस वीडियो को देखकर मदद जरूर करेगा। नमस्ते, मेरा नाम है दीपिका सिंह गोयल। ये मैसेज एक रिक्वेस्टिंग मैसेज है, स्पेशली टू दिल्ली गवर्नमेंट एंड अरविंद केजरीवाल जी। सर, मेरी मम्मी जो है उनकी उम्र 59 ईयर्स है और वो दिल्ली में है मेरे फादर के साथ में, और उनकी आज की जो रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव आई है कोरोना की। लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में उनका टेस्ट हुआ कुछ 4 से 5 दिन पहले, मगर रिपोर्ट जो है उनको अभी तक हाथ में नहीं दी है। सिर्फ पापा को बोला कि उस रिपोर्ट की फ़ोटोग्राफ खींच के ले जाए, और उनके पास व्हाट्सअप भी नहीं है। हमारे हाथ में रिपोर्ट नहीं है तो हम किसी हॉस्पिटल में भी उनको नहीं दिखा सकते। मैं यहाँ बॉम्बे में हूँ, मेरा एक छोटा बेटा है, मेरे लिए यहाँ से ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है। कल मेरी बहन अनामिका सिंह उनके पास फ्लाइट से गई है, पर उसको भी नहीं पता था कि मम्मी की रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आएगी, क्योंकि मम्मी को सिर्फ फीवर था और टेस्ट नहीं आ रहा था किसी भी चीज़ का। इसी वजह से विदाउट डॉक्टर की रिकमेंडेशन हमने जो है उनका टेस्ट करवा दिया। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि हाउ टू रिएक्ट। ऐसा लग रहा है कि जैसे समय का पहिया जो है उल्टा चलना शुरू हो गया है। तो अभी सर प्रॉब्लम ये है कि मेरी मम्मी जिस फैमिली में रहती है, मेरी जो जॉइंट फैमिली है पहाड़गंज में आर्या नगर में, वो कुछ 45 लोग एक साथ रहते हैं एक जॉइंट फैमिली में। मेरी दादी को भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है और मेरे पापा भी सस्पेक्टेड हैं। मेरी सिस्टर को भी नहीं पता था, कल से वो उनकी सेवा कर रही है, आज ही उसको पता चला है कि मम्मी पॉजिटिव है। तो कई सारे लोगों का टेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई सारे लोग मम्मी के संपर्क में आए हैं और मम्मी को भी ये कैसे हुआ है, क्योंकि मम्मी तो घर में ही रहती हैं, वो भी कुछ समझ नहीं आ रहा। और रिपोर्ट हाथ में नहीं है, उनका एक्सरे कैसे करवाएं, सब यही बोल रहे हैं कि घर पे ही रहें, घर पे ही अपना इलाज करें। मगर घर पे रहने से हम उनका चेस्ट एक्सरे कैसे कराएंगे, कैसे पता चलेगा कि उनकी हालत कैसी है। उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, उनको बहुत तकलीफ़ हो रही है। इससे पहले वो कभी भी अपने आप को इतना कमज़ोर फील नहीं की है। हमें उनका तुरंत इलाज कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर कोई भी सोर्स नहीं है मेरे पास दिल्ली में कि मैं किसी भी कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हम चाहते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल जो अच्छा हो उसमें इलाज हो जाए उनका, मगर कहीं भी किसी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा और कहीं से कोई गाइडेंस नहीं मिल रही है। दवाइयों की कोई गाइडेंस नहीं मिल रही है, किसी डॉक्टर ने उनको कोई फ़ोन नहीं किया है, ना ही रिपोर्ट हाथ पे दी है। जब तक लेडी हार्डिंग से हमें रिपोर्ट नहीं मिलेगी तब तक हम कैसे उनको किसी हॉस्पिटल को जाके बोलेंगे, फाइल तैयार कराएंगे कि यू नो
हूँ उनको एडमिट कीजिए। और स्पेशली जहाँ मैंने जहाँ भी बात कही है सभी कह रहे हैं कि बेड फुल है, एडमिशन नहीं हो सकता है, घर पर ही रखिए। पर सर ये घर पर बिल्कुल भी सेफ नहीं है क्योंकि 45 लोगों की फैमिली है, खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो बाकी सब लोग भी आप समझ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो है खतरे में आ जाएंगे। और जॉइंट फैमिली का भी बहुत प्रेशर है, सब लोग डरे हुए हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ आई रियली नीड योर हेल्प, और स्पेशली टू केजरीवाल जी एंड दिल्ली गवर्नमेंट, आई रियली नीड योर हेल्प। प्लीज़ मेरी, मैं आपको नंबर अपने हस्बैंड का बता देती हूँ, रोहित हैं, उनका नंबर है 9833649679। आप प्लीज़ किसी भी तरह से उनको कॉन्टैक्ट करें। अगर हमें कोई भी आप, वो भी बॉम्बे में है, मैं अपनी सिस्टर का नंबर नहीं दे सकती बिकॉज वो मम्मी पापा की सेवा करे कि वो फ़ोन उठाए, उसके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस में है। तो प्लीज़ सर, प्लीज़ हमें बताएं कि हम उनको कौन से हॉस्पिटल में जो है लेकर जाएं और कैसे उनका इलाज करवाएं, और बाकी सब जो 45 मेंबर्स हैं एक फैमिली के अंदर उनका कैसे टेस्ट होगा। प्लीज़ 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 मेरे इस मैसेज को प्लीज़ सीरियसली लीजिए। ये मेरे पास एक आखिरी ऑप्शन बचा था, बहुत वक्त से कुछ 4 से 5 घंटे मैंने सब सोर्सेज लगा लिए, सब कॉन्टैक्ट कर लिया, पर कुछ भी मगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कहीं से कोई भी होप नहीं मिल रही है। वो बेचारी घर पे ही है, उनसे कुछ खाया नहीं जा रहा है। तो प्लीज़ हेल्प अस, थैंक यू।